राजकुमारी चिड़िया की शादी। एक बड़े से जंगल में रघुवीर नाम का राजा चिड़िया रहता था, जिसकी एक बड़ी ही सुंदर सी राजकुमारी चिड़िया थी, जिसका नाम स्वप्निल था। स्वप्निल चिड़िया बचपन से ही अपने पिता के साथ ज्यादा रहती थी, तो उसे अपनी सेना के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव था। एक दिन राजा रघुवीर चिड़िया अपनी पत्नी नैनावती चिड़िया से बात कर रहा था। नैनावती, हमें आपसे स्वप्निल के बारे में बात करनी है। स्वप्निल अब बड़ी हो चुकी है, तो अब राजकुमारी के विवाह के लिए हमें एक अच्छा राजकुमार चिड़िया ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जी महाराज, आपके बड़े ही अच्छे विचार हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि स्वप्निल के विवाह को लेकर आप कब चिंतित होंगे। ठीक है, मैं जल्द ही अपने महामंत्री से कहकर स्वप्निल के लिए स्वयंवर रखवाता हूँ। जी ठीक है महाराज। तभी राजा रघुवीर चिड़िया देखता है कि सेनापति तोता करणवीर तेजी से उड़ते हुए किसी का पीछा कर रहा है। ये करणवीर सेनापति इतनी तेजी से उड़ान भरते हुए कहाँ जा रहा है? कि तभी जंगल में राजा के सबसे पुराने और बड़े पेड़ के आसपास भगदड़ मच जाती है और सारे पक्षी मिलकर राजा के पेड़ के पास से लकड़ियों को समेटने लगते हैं। कि तभी सेनापति एक कौवे को बंदी बनाकर राजा के सामने लेकर आता है। क्या बात है सेनापति, ये कौन है और इसे तुमने बंदी क्यों बनाया है? महाराज, ये हमारे जंगल में घुसपैठ कर रहा था और आपके घने वृक्ष के नीचे आग लगाने की योजना बना रहा था। तभी मेरी नजर इस पर पड़ी और मैंने इसे धर दबोचा। इस घुसपैठ पक्षी की इतनी मजान कि वो मेरे पेड़ को आग लगाकर मुझे बेघर करने की साजिश कर रहा था। ये सजा का पात्र है, इसे आजीवन कारावास में डाल दो। राजकुमारी स्वप्निल अपने पिता के बगल में खड़ी होकर सेनापति को बड़े ही गौर से देखती जा रही थी। तभी सेनापति करणवीर, तो मैं एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर सैनिक हूँ और मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे जंगल के सेनापति हो। मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें सेनापति के नेतृत्व के साथ अपना संरक्षक भी बनाता हूँ। आज से तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। स्वप्निल चिड़िया सेनापति की वीरता को देखकर काफी प्रसन्न थी और स्वप्निल सेनापति करणवीर तोते को देखकर मुस्कुराती है। लेकिन करणवीर राजकुमारी पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने पीठ पर वापस आकर रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी की शादी के लिए राजा रघुवीर चिड़िया स्वयंवर करवाता है और स्वयंवर में राजकुमार रतन कबूतर, राजकुमार महेंद्र चिड़िया, राजकुमार सुरेश कौवा स्वप्निल से विवाह के लिए स्वयंवर में आते हैं। स्वप्निल बेटा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने आज तुम्हारा स्वयंवर रखा है और आसपास के जंगलों से कुछ राजकुमार आए हैं। चलो तुम उनसे मिल लो और उनसे तुम्हें जो भी सवाल या बातचीत करनी है कर लो, और उन्हीं में से अपने लिए एक को तुम्हें चुनना पड़ेगा ताकि मैं उससे तुम्हारी शादी करवा सकूं। लेकिन पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपने अभी से क्यों मेरे स्वयंवर के लिए राजकुमारों को बुलाया है? हमने आपसे पूछा नहीं है स्वप्निल, हमने आपको आदेश दिया है। आप इस जंगल की राजकुमारी हैं और आपका विवाह जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी से तैयार होकर स्वयंवर में आइए। इतना बोलकर रघुवीर चिड़िया वहाँ से चला जाता है। सेनापति करणवीर तोता भी रघुवीर के साथ साथ उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे रहता है। स्वप्निल अपनी माँ रानी नैनावती के साथ स्वयंवर में आती है। राजकुमारों, ये मेरी पुत्री राजकुमारी स्वप्निल है और हमारी राजकुमारी जिस राजकुमार को चुनेंगी उसका विवाह मेरी पुत्री से किया जाएगा। मुझे अपने पति में सबसे ज्यादा तीव्रता और एकाग्रता चाहिए, इसलिए आप सबको इन दोनों चीजों में बिल्कुल खरा उतरना होगा। राजा रघुवीर चिड़िया स्वप्निल की बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी आप सभी राजकुमारों को जंगल का चक्कर सबसे तेज लगाना होगा। अगर आप तेजी से उड़ान भरकर उड़ नहीं पाएंगे तो मैं आप में से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात राजकुमारी, हम तो वैसे भी बहुत तेज उड़ लेते हैं, इसका मतलब है आप मुझसे शादी करेंगी। हाँ तो महेंद्र, उड़ने में मैं भी कहीं किसी से कम नहीं हूँ। ये जंगल का चक्कर तो मैं भी कुछ ही समय में लगा लूंगा। हाँ, राजा रघुवीर, रानी नैनावती और सभी पक्षी राजकुमारों की बातें सुन रहे थे। तभी चलिए जंगल का चक्कर लगाने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। सेनापति करणवीर, आप तीनों राजकुमारों के साथ उड़ान भरने की तैयारी करिए। यदि तीनों राजकुमारों में से एक भी राजकुमार आपसे पहले जंगल का चक्कर लगाकर आ गया तो उसे ही मैं अपने पति के रूप में चुन लूंगी। स्वप्निल की बात सुनते ही सारे राजकुमार जंगल का चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आदेश मिलते ही सारे राजकुमार जंगल का चक्कर लगाने के लिए उड़ान भर देते हैं।
सेनापति करणवीर की उड़ान के आगे तीनों ही राजकुमारों की उड़ान बड़ी ही धीमी नजर आती है और सेनापति करणवीर कुछ ही समय में जंगल का पूरा चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं और तीनों राजकुमारों को सेनापति करणवीर पछाड़ देते हैं। तीनों राजकुमारों में से कोई भी मेरा पति बनने के लायक नहीं है क्योंकि शर्त के मुताबिक आप तीनों में से किसी ने भी मेरी शर्त पूरी नहीं की, इसलिए आप सब मेरे पिता के जंगल से चले जाएंगे। राजा रघुवीर जैसे ही स्वप्न के मुंह से ये बात सुनता है, राजकुमारी स्वप्न, ये आप क्या कह रही है? आप अपने स्वयंवर से राजकुमारों को इस तरह से नहीं भगा सकती। माफी चाहूंगी महाराज, लेकिन मैं आपकी पुत्री हूँ और इस तरह से किसी भी राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। मुझे अपने पति का चुनाव करने का पूरा हक है और मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं आपके सेनापति करणवीर से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी सेनापति करणवीर से करवा दीजिए। राजकुमारी स्वप्निल, ये क्या कह रही हैं आप? आप एक राजकुमारी हैं, आप एक सेनापति से शादी नहीं कर सकती। सेनापति करणवीर, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लोगे। नहीं महाराज, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो राजकुमारी स्वप्निल के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। राजकुमारी स्वप्निल, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ जो आपसे विवाह कर सकूं, और मैंने तो कभी आपसे बात भी नहीं करी। आप ये कैसे बोल सकती हैं? हाँ पिताजी, सेनापति करणवीर बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने तो कभी मेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन मुझे सेनापति करणवीर बहुत पसंद है और मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें इन राजकुमारों से शादी नहीं करनी तो ठीक है, मत करो, लेकिन मैं अपनी पुत्री की शादी एक सेनापति से नहीं करा सकता। इतना बोलकर राजा रघुवीर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। सेनापति करणवीर वही राजा के पेड़ के नीचे बैठा रहता है और तभी देखता है कि रात के समय राजकुमारी स्वप्निल अपने घोंसले से निकलकर चोरी छक्के कहीं जाने लगती है कि तभी सेनापति करणवीर उनके पीछे जाता है। राजकुमारी स्वप्निल नदी के पास वाले जहरीले वृक्ष पर जाकर बैठ जाती है और उस जहरीले वृक्ष का फल खाने ही वाली होती है कि तभी सेनापति करणवीर राजकुमारी स्वप्निल को रोकता है। राजकुमारी स्वप्निल, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपनी जान देने जा रही थी क्या? हाँ सेनापति करणवीर, पिताजी मेरे कहीं दूसरी जगह जबरदस्ती शादी करवाएंगे तो उससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। आप तो वैसे भी मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूँ? नहीं राजकुमारी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। यदि आपने अपनी जान दे दी तो महारानी और महाराज का क्या होगा? तो फिर इसका यही एक रास्ता है कि आप मुझसे शादी कर लें और मुझे अपने साथ ही रहने दें, नहीं तो मैं ये जहरीला फल खाकर मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आज के बाद कभी आप अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचेंगी। ठीक है, फिर हम अभी के अभी विवाह करके पिताजी के पास चलेंगे। सेनापति करणवीर और राजकुमारी स्वप्न शादी करके राजा रघुवीर के पास जाते हैं। महाराज, मैंने सेनापति करणवीर से शादी करनी है और मैं अब उनके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। राजकुमारी स्वप्न, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आपने मेरे खिलाफ जाकर मेरे ही सेनापति से शादी कर ली है। मैं इसका दंड आप दोनों को देकर रहूँगा। मैं अभी के अभी आप दोनों को अपने जंगल से निष्कासित करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं और अभी के अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। सेनापति करणवीर राजकुमारी स्वप्निल के साथ वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आकर रहने लगता है। इस तरह से राजकुमारी का विवाह उसी के सेनापति के साथ हो जाता है और वह अपने पति के साथ दूसरे जंगल में रहने लगती है।